ए नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद घंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। तो दोस्तों, आपको सभी को पता है कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टोमी, और मुझे 10 साल हो चुके हैं ऑस्टोमी बैग के साथ में। और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इसी कंटेंट पे वीडियोस बनाता हूँ। यस, तो दोस्तों, जो कोई यंग ऑस्टमी पेशेंट्स होते हैं, मुझे बहुत बार कॉल करते हैं या तो मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि वो फील करते हैं कि उनके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, उनके लाइफ में कोई लव नहीं है, और ऑस्टमी के वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी अधूरी है। और दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी एक पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। यस, आपको स्टोमा बैग है फिर भी आप बहुत ज़्यादा लकी हो प्यार के मामले में। यस, प्यार के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी हो। अब क्यों लकी हो, इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो नॉर्मल होते हैं और मतलब जिनमें कोई तकलीफ़ नहीं है, वो ज़्यादातर रिलेशनशिप में कैसे जाते हैं? लड़के लोग मोस्टली खूबसूरत लड़कियां प्रिफर करते हैं, और लड़कियां मोस्टली ऐसे इंसान को प्रिफर करती है जो स्टेबल हो फाइनेंशियली और करियर वाइज स्टेबल हो। और कहीं ना कहीं इंडिया में ये चीज़ देखी गई है कि अरेंज मैरिज में भी यही दो फैक्टर देखे जाते हैं। एक कामयाब लड़का ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेगा कि लड़की खूबसूरत है, मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है, तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लड़की वाले की तरफ से भी यही चीज़ें लड़कों में देखी जाती है कि लड़का कामयाब है या नहीं है। तो खूबसूरत हो या ना, उसमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर कामयाब होना चाहिए। तो ये बहुत बड़े फैक्टर है रिलेशनशिप में आने के। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दो फैक्टर इनाफ नहीं है आपके खुश रहने के लिए। यस, कामयाब लड़का हो तो ये गारंटी नहीं है कि वो आपको खुशियाँ देगा और आप उसके साथ में बहुत अच्छे से रह पाओगे, या खूबसूरत लड़की है बहुत खुशी से बहुत रह पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इस वजह से ही बहुत सारे ब्रेकअप हो जाते हैं और शादियाँ टूटती है, और बड़े बड़े लोगों की देखा है ना आपने, शादियाँ टूट जाती है क्योंकि मोस्टली ये दो बेसिस पे ही लोग डिसीजन ले लेते हैं, और बाद में देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, प्यार नहीं है, और रिश्ता आगे नहीं चल पाता और रिश्ता टूट जाता है। अब हमारे केस में हम लकी क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारे से अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर कोई भी प्यार करेगा, तो शक्ल के बेसिस पे या तो करियर के बेसिस पे वो डिसीजन नहीं लेगा। आपके फैमिली कितनी भी अमीर हो, आपकी अच्छी फैमिली हो, फिर भी कोई भी आपका पार्टनर बनने से हिचकिचाएगा, क्योंकि उसे पता है कि लड़के में स्टेबल नहीं है, मतलब फिजिकली ओके नहीं है। और सिमिलरली, आप कितने ही ब्यूटीफुल हो, लड़की की बात कर रहा हूँ, तो भी इतना जल्दी कोई भी एक नॉर्मल लड़का आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा अगर आप स्टोमा बैग से हो या तो कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी से हो। तो दोस्तों, इस केसेस में आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप ऐसे रिलेशनशिप से बच जाते हो जो आगे जाके कभी ब्रेकअप हो सकता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस दे सकता है, और कहीं ना कहीं आपको एक ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे सकता है, क्योंकि आप कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। मतलब एक नॉर्मल तरीके से, अगर आप नॉर्मल होते तो कोई ना कोई चांस होता कि कोई रिलेशनशिप में ऐसे आते जाते घुसता रहता, पर क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं है तो बहुत चांसेस कम है ये सब चीज़ होने के। तो ये सिचुएशन में आप लकी इसीलिए हो क्योंकि जो भी लड़का या लड़की इस बैरियर को तोड़ेगा,
जी हाँ दोस्तों, जो भी लड़का या लड़की इस बैरियर को तोड़ेगा, मतलब वो ये नहीं देखेगा कि आपकी बॉडी कैसी है, या तो आप क्या कमाते हो, या तो आप फिजिकली कैसे हो, वो आपको तभी अपनाएगा जब आपको सच में अंदर से दिल से प्यार करता हो। यस, दिल से प्यार करता हो। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो परमानेंट आएगा और बहुत कुछ सोच समझ के आएगा। यस, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा बहुत कुछ सोच समझ के आएगा, उसको पता है कि ये इंसान इस तकलीफ़ से है और मुझे कुछ चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी अपने लाइफ में। यस, कुछ चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, तो वो रिलेशनशिप फिर जो निभाएगा ना, तो दोस्तों वो अपने दिल से निभाएगा और पूरी मतलब शिद्दत से निभाएगा। और ऐसी रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस के सिवाय और कुछ मिल ही नहीं सकता। यस, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ का अफसोस ना करो, अफसोस ना करो, अपने आप को लकी महसूस करो। जो भी जैसी भी सिचुएशन में हो बहुत सही हो। यस, बहुत सही हो। तो ऐसे इंसान को वेट करना है। और मैं आपको ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कोई इंसान आए या ना आए, आप सिंगल भी रहो तो भी आप अपने आप को लकी महसूस करो, क्योंकि आप कम से कम टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो बचे हुए हैं ना। इंडिया में एक बहुत बड़ी धारणा ऐसी देखी जाती है कि इंडिया में लोग सोचते हैं कि अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, लोगों को ये नहीं पता कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है, पर उन मैरिज में प्यार कितना है, वो रिश्ते कैसे चल रहे हैं, उसका डेटा नहीं है लोगों के पास में। प्यार होता है तो हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, टॉलरेंस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। पर प्यार नहीं होगा तो आपकी खूबसूरती गई तेल लगे, आप कितना कमाते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को लकी महसूस करो कि एटलीस्ट आप फालतू की रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। तो बस ये वीडियो इसलिए बनाया था कि जो यंग ऑस्टमी पेशेंट है, जो अनमैरिड है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को सैड महसूस ना करे, अनलकी महसूस ना करे, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा लकी है विथ रिस्पेक्ट टू लव। यस, विथ रिस्पेक्ट टू लव काफ़ी लकी है अपनी ज़िंदगी में। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें ज़िंदगी में, ताकि आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक सही धारा में चले। यस, सही डायरेक्शन में। तो चैनल पे ऐसी वीडियोस और भी आते रहेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैनल है दोस्तों, सही मार्ग पे आपको रखेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखेगा अपनी लाइफ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।